रामपुर शहबाद के कस्बा सैफनी में बीती रात रामलीला का आखिरी मंचन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई और मंच पर प्रवेश करके भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती की। सभी भक्तों ने पग छूकर प्रसाद का भोग कराया। रात्रि में रावण के पुतले का दहन हुआ। इस मौके पर मेले का भी फीता काटकर कमेटी के सदस्यों द्वारा उद्घाटन किया गया। मेले में भारी भीड़ जुटी, महिलाओं व बच्चों ने जमकर खरीदारी की और फिर रावण से श्री रामचंद्र जी का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री रामचंद्र जी के अग्निबाण से रावण दहन हो गया। बाद में रामलीला मंचन शुरू हो गया। आखिरी दिन अयोध्या वापसी पर भगवान श्री रामचंद्र जी का राजतिलक हुआ। भक्तों ने मंच पर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। आरती में शामिल महिलाओं और बच्चों ने श्री रामचंद्र जी के पग छूकर आरती की और तिलक करके पुण्य कमाया। मुख्य अतिथि लक्ष्मी देवी, उनके साथ अर्चना देवी, पुष्पा देवी, संतोष देवी, अनीता देवी, उज्जवल, सोनू, माली, अनिकेत कश्यप, सत्यम रस्तोगी, राम सेवक रस्तोगी, सुशील जोशी, रामाधार गुप्ता, सुधाकर वर्मा, विमल जोशी, सत्यनारायण शर्मा आदि दर्जनों श्रद्धालुओं ने अयोध्या में श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी, विश्वामित्र आदि का स्वागत किया। रामलीला मंचन के बाद समापन हुआ। झांसी के कलाकारों एवं मंडली मालिक हर नारायण की व व्यास आदि की प्रशंसा की गई तथा सिटी चैनल का आभार व्यक्त किया गया। हे माता, आपको भली भांति ज्ञात होगा, आज हमारे प्रभु श्री राम ने लंकाधीश रावण के एवं समस्त वंश सहित का संहार कर दिया है और लंका पर विजय प्राप्त की है। इसलिए प्रभु के आदेश अनुसार मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ। आइए माता, ये है राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। जय हो आपकी प्रभु, जय हो। मैंने समुद्र के किनारे पर भगवान शिव की स्थापना की थी, जिस हमारे नाम के द्वारा रामेश्वर भगवान उनका नाम पड़ा हुआ था। यहाँ पर मैंने सेतुबंध रामेश्वर स्थापना की थी। चलो आगे की ओर चलते। और सामने पंचवटी नामक स्थान आ रहा है, यहाँ पर हम कई दिनों तक रुके हुए थे। पंचवटी से पहले ये मुनि अगस्त जी का आश्रम, जानकी यहाँ पर माँ गंगा जी को प्रणाम करते हुए हम आगे की ओर गए थे। जानकी
गंगे मैया से पार होने के लिए ¡Vamos!